हिंदू धर्म ग्रंथों में चारों युग सत्ययुग, त्रेतायुग, द्वापरयुग और कलयुग से जुड़ी कई सच्चाई हैं। इनमें सबसे दिलचस्प है कलयुग की कहानी, क्योंकि कई ग्रंथों में कलयुग से जुड़े ऐसे सत्य के बारे में बताया गया है। भगवान कृष्ण ने महाभारत में ही कलयुग का विस्तार पूर्वक वर्णन कर दिया था कि लोग कैसे होंगे, जीवन कैसे व्यतीत होगा, लोगों का व्यवहार एक दूसरे के प्रति कैसा होगा। आज हम आपको बताएंगे भगवान श्री हरि द्वारा कलयुग के बारे में बताई गई पांच कड़वी बातें जो आज शत प्रति सच हो रही हैं। पर उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। महाभारत काल में पांचों पांडवों के मन में कलयुग को जानने की जिज्ञासा हुई। उन्होंने एक बार भगवान से पूछा कि कलयुग में मानव कैसा होगा, लोगों के विचार कैसे होंगे और मोक्ष की प्राप्ति कैसे होगी। ये प्रश्न सुनकर भगवान ने पांचों पांडवों को वन में जाने को कहा और साथ में ये भी कहा कि जो कुछ भी तुम वहां देखो मुझे विस्तार में आकर बताना। पांचों भाई वन को चले गए और कुछ समय बाद वापस लौटे। भगवान ने पूछा कि किस सोच विचार में तुम सब हो, बताओ। सबसे पहले युधिष्ठिर महाराज ने बड़ी हैरानगी से बताया कि मैंने वहां दो सूंड वाले हाथी को देखा। ये सुनकर भगवान ने कहा कि कलयुग में ऐसे लोग राज्य करेंगे जो बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ। ऐसे लोग दोनों ओर से शोषण करेंगे। भीम ने बताया कि उसने एक गाय को देखा जो अपने बछड़े को इतना चाट रही थी कि उसका खून निकल आया था। गोविंद बोले कि कलयुग का मनुष्य अपने संतान को लेकर इतना आसक्त होगा कि उसकी ममता के कारण ही उसके बच्चों का विकास रुक जाएगा। वे अपनी औलाद को मोहमाया और संसार में बांध कर रखेंगे, जिससे उसका जीवन वहीं नष्ट हो जाएगा। फिर भगवान ने वास्तविकता बताते हुए कहा कि तुम्हारे पुत्र तुम्हारे नहीं बल्कि उनकी पत्नियों की अमानत हैं और पुत्रियां उनके पतियों की। यह शरीर मृत्यु की और आत्मा परमात्मा की अमानत है। अर्जुन ने आगे बताया कि उसने एक पक्षी देखा जिसके परों पर वेद की रचाई लिखी हुई थी, लेकिन वे एक मनुष्य का मांस खा रहा था। इस पर प्रभु ने कहा कि कलयुग में ऐसे लोग होंगे जिन्हें विद्वान कहा जाएगा, किंतु उनके मन में यही होगा कि जल्दी किसी की मृत्यु हो और उसकी संपत्ति का मालिक वे खुद बन जाएं। उनकी नजर में यही रहेगा कि वे दूसरों के धन को अपना बना लें। वास्तविक संत कोई कोई होगा। नकुल ने कहा कि एक भारी चट्टान पर्वत से टकराकर गिरा, लेकिन एक छोटे पौधे की वजह से वह चट्टान वहीं रुक गई। इसका अर्थ बताते हुए भगवान ने कहा कलयुग में मनुष्य की बुद्धि क्षीण होगी, उसके जीवन का पतन होगा और इस पतन को धन रूपी वृक्ष रोकने में समर्थ नहीं होंगे, लेकिन हरि नाम रूपी एक छोटे पौधे से व्यक्ति का जीवन पतित होने से रुक जाएगा। हरि कीर्तन से मनुष्य की बुद्धि प्रभावशाली होगी। फिर सहदेव बोले कि मैंने वन में बहुत से कुएं देखे जिनमें से केवल बीच का कुआं खाली और गहरा था। श्री वासुदेव भगवान ने तब बताया कि कलयुग में धनी व्यक्ति अपनी मन की खुशी के लिए विवाह उत्सवों में अधिक धन खर्च करेंगे, परंतु यदि किसी गरीब को देखेंगे तो उसकी मदद कभी नहीं करेंगे। अपने आप को खुश करने के लिए शराब का सेवन, मांस आदि का खान पान करके धन व्यय करेंगे। जो लोग ऐसी आदतों से दूर होंगे उन पर कलयुग की नहीं बल्कि परमात्मा की कृपा होगी। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। आशा करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर हाँ तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आप आगे किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं। धन्यवाद।